ऑलराइट नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्लूइड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट्स रहेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स रादर, मतलब मूविंग फ्लूइड और रेस्ट फ्लूइड एट रेस्ट। लास्ट ईयर मैंने इसके लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, बट मुझे लगा कि उससे बहुत बेटर कर सकता हूँ, जो इस बार फिर से मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश नोट्स लिखे और कुछ चीजें ऐड की, तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? ये ब्रांच जो है, जैसे कि नाम से समझ में आता है, स्टेशनरी फ्लूइड से डील करने वाली ब्रांच है। स्टेशनरी फ्लूइड मतलब या तो कंटेनर भी स्टेशनरी और उसके अंदर फ्लूइड स्टेशनरी, या फिर अगर कंटेनर मूविंग है तो कंटेनर के रिलेटेड फ्लूइड स्टेशनरी हो, समझ गए? जैसे ट्रेन के वैगन में मान लो पेट्रोलियम भरा हुआ जा रहा है, ट्रेन कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन से जा रही है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो फिर उसमें वो भी हम फ्लूइड स्टैटिक्स में डील करेंगे, जहां पे कंटेनर के रिलेटेड फ्लूइड रेस्ट है, राइट? मूविंग फ्लूइड्स हम, यानी कंटेनर के रिलेटेड जहाँ मूवमेंट है वहां पे वो सब हम फ्लोइंग फ्लूइड्स को डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, ओके? अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक सिचुएशन क्या होती है? जैसे कि नाम समझ में आता है कि कंटेनर के रिलेटेड रेस्ट होना चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक सिचुएशन में देर आर नो विस्कस फोर्स। अच्छा, एक पूरा पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद लिक्विड्स दैट आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर कंटेनर्स इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स, राइट? कंटेनर मे और मे नॉट बी इनर्शियल। इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल कंटेनर जनरली वी डू एनालिसिस इन द कंटेनर फ्रेम्स आफ्टर अप्लाइंग एप्रोप्रिएट स्यूडो फोर्स। एक्सेलरेटेड कंटेनर होंगे तो स्यूडो फोर्स लगा के एनालिसिस करेंगे, राइट? इन हाइड्रोस्टैटिक सिचुएशन देयर आर नो विस्कस फोर्सेस इवन इफ द फ्लूइड्स देमसेल्व्स आर स्टिकी। कहने का मतलब क्या है? देखो, विस्कस फोर्स क्या होता है? स्टिकीनेस के फोर्सेस होते हैं। जब फ्लूइड की लेयर एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करती है, तो जो स्टिकीनेस का जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल फोर्स होता है। लेकिन स्टैटिक्स में क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ही लेयर्स की जीरो है, तो इसलिए कोई विस्कस फोर्स होगा नहीं, इवन इफ द फ्लूइड इज विस्कस, विस्कस फोर्स नहीं होगा, समझ गए? विस्कस फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, एयर ड्रैग होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी नहीं है लेयर्स के बीच में तो कोई विस्कस ड्रैग नहीं होगा, ठीक है? ओके, दिस बिकॉज देयर आर नो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स एंड विस्कस फोर्सेस कम इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर आर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स, ठीक है? विस्कोसिटी के चैप्टर में इसको डील करेंगे। फ्लूइड्स का मतलब क्या है? लिक्विड्स और गैसेस। इन दिस चैप्टर वी विल जनरली इग्नोर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स एंड अज्यूम दैट दे हैव कांस्टेंट डेंसिटी। नॉर्मली हम मानेंगे कि कांस्टेंट डेंसिटी के फ्लूइड्स हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी वगैरह नहीं है। ऑल्दो ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रू नहीं है। जैसे ओशन के अंदर पानी है तो नीचे वाली लेयर जो ऊपर वाली लेयर्स के नीचे दबी हुई है, तो नीचे ज्यादा डेंसिटी होगी, ऊपर कम डेंसिटी होगी, बट वो सब हम डेंसिटी वेरिएशन को इग्नोर करके चलेंगे, राइट? ठीक है, अनलेस क्वेश्चन बोल दे, ओके? ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? इनफैक्ट अगर मान लो कोई कंटेनर में पानी भरा हुआ, पानी के अंदर पानी का कुछ एलिमेंट इमेजिन कर ही सकता हूँ, पानी के अंदर ऐसा मान सकता हूँ कि इतना पानी रेस्ट ऑफ द पानी में डूबा हुआ, ऐसा मान सकता हूँ। तो ये जो पानी है रेस्ट ऑफ द पानी से, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक्जैक्टली इसके एमजी को बैलेंस कर रहे हैं, राइट? तो रेस्ट ऑफ द पानी से कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, उसको चाहो तो नॉर्मली एक्शन जैसा सोच सकते हो कि इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स में इसको धक्का दे रहे होंगे ऐसे करके, राइट? विस्कस फोर्स तो है नहीं, विस्कस फोर्स होते हैं शेयरिंग फोर्सेस। तो फ्लूइड स्टैटिक सिचुएशन में शेयरिंग फोर्सेस कोई नहीं लगते, जो भी फोर्सेस लगते हैं नॉर्मल लगते, और ये जो भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है कहीं पर भी, ये पर यूनिट एरिया जो भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है? हम लोग कॉन्टिन्यूम जैसा इमेजिन करते हैं, बट ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो पार्टिकल्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, यानी इधर अगर ये वॉल्यूम ले रहे हो तो इससे आके टकरा रहे होंगे, फिर टकरा के बाउंस कर रहे होंगे, तो ये सब जो आके टकरा के जो बाउंस करके फोर्स जो दे रहे, ये जो फोर्स है पर यूनिट एरिया अगर हम बात करें किसी सरफेस पे, तो दैट इज योर प्रेशर। क्या लिखा? व्हेन वी से दैट इन हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, वी मीन दैट इन अ मैक्रोस्कोपिक सेंस। रेस्ट पे बोलते हैं इसका ना मैक्रोस्कोपिक सेंस में, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स तो चालू ही रहते हैं, ठीक है? ओके, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल फ्लूइड पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड विल कोलाइड विद एनी सर्फेस दैट कम्स इन देयर वे। रैंडम कोलिजन होते रहेंगे, कागज की चिट डुबा दो पानी में, कागज की चिट को आ गया, सब तरफ से फ्लूइड पार्टिकल्स आके माथा फोड़ रहे होंगे, वही जो माथा फोड़ रहे उससे आके वही तो हमारा प्रेशर का कॉज है, समझ गए? पार्टिकल्स आके जो टकरा रहे दैट कॉजेस द प्रेशर फोर्स, राइट? ठीक है, ठीक है। तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल फ्लूइड पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड विल कोलाइड विद एनी सर्फेस दैट कम्स इन देयर वे। Since on an average center of mass of any macroscopic fluid volume is at rest, the collision forces on any such volume is exactly balanced by the other forces, yani gravity or pseudo forces. कहने का क्या मतलब है? On an average का center of mass कहीं पे नहीं भागा जा रहा, random motion है, तो center of mass का acceleration कह सकते हैं zero ही है, ठीक है? तो center of mass का acceleration zero है, इसका मतलब ये collision के forces जो भी हैं, they are exactly balanced by the other forces. तो container non-inertial है, तो pseudo force और gravity को balance कर रहे होंगे, right? ठीक है, वही लिखा हुआ, okay? That is gravity and pseudo forces. In hydrostatic situation, the force of these collisions acts perpendicular to any surface submerged in the fluid. ये जो भी force होता है हमेशा surface के perpendicular act करता है, ऐसे टकरा के ऐसे bounce हो, ऐसे टकरा के ऐसे bounce हो randomly. तो ये जो bouncing process है ये
सिमेट्रिक जैसी है, कुछ कंप्लीटली रैंडम है, तो इसका नेट रिजल्टेंट जो होता है ये नॉर्मल डिजल सरफेस होता है। ठीक है, किसी भी कागज को अगर तुमने डुबा दिया तो उस कागज पे कितने ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से सब तरफ से बराबर से पार्टिकल्स टकरा रहे, तो ये फोर्स जो होता है ये नॉर्मल होता है। ठीक है, और शेयरिंग फोर्स नहीं होता इसके अंदर कोई भी, राइट? ओके, तो दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सबमर्ज सरफेस। दिस परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इफ वी इमेजिन एन एरिया डी एस सबमर्ज इन फ्लूइड ऑन विच फोर्स डी एस एक्ट्स, देन द प्रेशर एक्सपीरियंस इज सिंपली डी एफ बाई डी ए। तो ये अगर डी एफ फोर्स लग रहा है डी ए एरिया पे, कागज की चिट छोटी सी इमेजिन करो पानी में, तो उसके ऊपर डी एफ फोर्स लग रहा है, तो लोकल प्रेशर क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी ए। अच्छा, ये जो है प्रेशर तुमको लग सकता है, या फोर्स तो वेक्टर होता है और एरिया स्केलर होता है, तो इनका रेशियो तो वेक्टर होना चाहिए, बट प्रेशर को स्केलर माना जाता है। क्यों स्केलर माना जाता है, क्योंकि इस एरिया की ओरिएंटेशन कुछ और कर दो, इस चिट को तुमने हॉरिजॉन्टली पकड़ो, इसको वर्टिकली पकड़ लो, तो भी प्रेशर फोर्स उतना ही रहेगा, क्योंकि रैंडम पोजीशन है ना, तो किसी भी ओरिएंटेशन में उस चिट को रखो, तुम सीधा रखो, 30 डिग्री पे रखो, वर्टिकल रखो, कैसे भी रखो, तो नंबर ऑफ कोलिजन हैपनिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दैट विल बी सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द स्मॉल लैमिनेट। तो इसलिए प्रेशर को स्केलर में होते, तो डीएफ बाई डीए जब लिख रहे हो तो डीएफ क्या हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। ठीक है, ओके, तो क्या लिखा था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय सरफेस ऑफ अ सबमर्ज लैमिनेट ड्यू टू कोलिजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिएंटेशन ड्यू टू ट्रूली रैंडम मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। दस pressure is independent of the orientation of the lamina and we can talk about pressure at any point in fluid as p is equal to df mod upon da, okay, df by da ka mod. We can also define average pressure on any lamina as the ratio of total force to the total area of the lamina. So average pressure kya ho jayega, net force divided by net area. ye wali figure mein dekho, bada sa area hai to net force divided by net area. To yahan pe agar koi doubt hai to mere ko bolo, uske baad fir aage discuss karenge, let me know. इसके बाद करते बात पास्कल्स लॉ की। तो पास्कल्स लॉ क्या है, इनफैक्ट हम स्टेट कर चुके हैं यहाँ पे, बस फॉर्मली स्टेट करें। पास्कल्स लॉ क्या है, जब प्रेशर फोर्सेस एक्ट करते हैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में फ्लूइड के, तो ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने बताया ना, क्योंकि रैंडम कोलिजन की वजह से हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, किसी भी ओरिएंटेशन में हो वो हमारा प्रेशर जो है सेम ही होता है हर ओरिएंटेशन में। ठीक है, इसका अभी मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लेते हैं और रिग्रेस प्रूफ देख लेते हैं। क्या लिखा, एज स्टेटेड इन द लास्ट सेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एक्टिंग एट द पॉइंट इन अ फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर की बात हो रही है, वो हर डायरेक्शन में सेम होता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया हर डायरेक्शन में सेम होता है एक गिवन पॉइंट पे। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ आफ्टर फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल 17th सेंचुरी। दिस कैन बी रिग्रेसली प्रूव्ड बाय कंसीडरिंग अ वेज शेप सबमर्ज एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक वेज शेप सबमर्ज एलिमेंट लिया। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट है जिसकी शेप कैसी है, इंक्लाइन जैसी है। इसकी ये हाइट, ये विड्थ मैंने डेल्टा एक्स ले लिया, और ये जो वर्टिकल है इसको मैंने डेल्टा जेड ले लिया, और इंक्लाइन को ले लिया डेल्टा एस। तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, डेल्टा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये दिखा दूंगा कि बॉटम फेस पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया और ये वर्टिकल फोर्स पे जो वर्टिकल फेस पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको मैथमेटिकली दिखा दूंगा इक्वल आएगा ये। तो कैसे आएगा, तो तुम्हें पता है पानी के अंदर पानी के वजह से इक्विलिब्रियम में होगी ना, राइट? तो इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बैलेंस होनी चाहिए, वर्टिकल फोर्स भी बैलेंस होनी चाहिए। तो वही यूज करके मैं अभी प्रूफ करने वाला हूँ। तो इस वेज का इक्विलिब्रियम से हम देखेंगे कि वो अपने आप प्रूव हो जाएगा, वेज के इक्विलिब्रियम। तो कैसे करेंगे वो देख लो। तो क्या लिखा मैंने, दिस कैन बी रिग्रेसली प्रूव्ड बाय कंसीडरिंग अ वेज शेप सबमर्ज एलिमेंट, लेट पी वाई बी द एवरेज प्रेशर ऑफ द वर्टिकल वॉल। तो वर्टिकल वॉल जो है इसके ऊपर मान लिया यहाँ पे पी वाई, यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, ओके, ठीक है, एंड लेट पी एच बी द प्रेशर एट द बेस। तो बेस के ऊपर मान लिया मैंने प्रेशर जो है मेरा पी एक्स है। मैंने ऐसे यहाँ पे पी जेड और पी वाई दिखाया हुआ है ये, ठीक है, समझ लो पी जेड मान लो, जो भी है, समझ गए। एक यहाँ पे बेस पे प्रेशर है, एक ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर है। ठीक है, at the base and P the average pressure at the inclined force. यहाँ पे P क्या लिखा था, X की जगह Z कर लो अपने notes में, this should be Z. Y ठीक है, यहाँ पे ये PZ होना चाहिए, जैसे figure के साथ match करने हैं, तो ये PZ है, okay? ठीक है, तो अब क्या होगा, horizontal direction में तुम force balance करोगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा PY into ये क्या है, ये तुम्हारा area delta X into delta Z, यही है ना, ये वाला vertical face का area। तो क्या लिखा, पी वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड को लिखा डेल्टा एक्स साइन थीटा, राइट? ये वाला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इंक्लाइन फेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या होगा, माइनस पी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एस, ये डेल्टा एस है तुम्हारा, ये डेल्टा एक्स है, तो इसके ऊपर प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, इंटू साइन थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, ओके। और वर्टिकल फोर्स बैलेंस अगर तुम करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से पी जेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई लग रहा है, और डेल्टा वाई को लिख लिया डेल्टा एक्स कॉस थीटा, समझ में आ रही होगी बात।
माइनस पी इंटू डेल्टा एक्स, ये फिर ये इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट ले लिया, पी इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स का, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू इनवर्ड डेप्थ, वही लिखा हुआ, ठीक है, वॉल्यूम इंटू ये क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया हमने, ठीक है। तो समझ में आया ना, हाँ, अभी देखो अब ठीक है ये, तो अभी वर्टिकल फोर्स बैलेंस करोगे तो तुम्हारी ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे जो ये लास्ट में टर्म लिखा है ये वेट का टर्म है, इसमें रो मिसिंग था, मैंने रो लगा दिया यहाँ पे, अनलेस डेंसिटी वन ज़ूम करके काम कर रहे हो, तो ये समझ में आया ना, ठीक है। अब इसको अगर तुम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हो, पूरे को डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा पी जेड जो आएगा वो पी प्लस रो जी डेल्टा एक्स साइन थीटा बाय 2 आएगा, राइट। अब मान लो मेरे पास बहुत ही छोटा अगर मेरा वेज है, इनफाइनिटेसिमल वेज है, तो ये इस पी के मुकाबले ये वाला टर्म तो नेगलिजिबल ही हो जाएगा, इसका मतलब क्या, मेरा पी जेड और पी वाई फिर बराबर आ जाएंगे, समझ नहीं पाती। क्या लिखा, इफ वी इफ द वेज वर इनफाइनिटेसिमल वी गेट द रिजल्ट दैट पी एक्स इजक्वल टू पी वाई इजक्वल टू पी जेड इजक्वल टू पी, मतलब ठीक है एक डायरेक्शन में दिखाई नहीं, बट दूसरी वेज बनाओगे तो सामने और नीचे भी बराबर आ जाएगा, समझ में आई बात की। जैसे ये वेज तो इस ओरिएंटेशन में ले सकते, एक इनटू द पेज गोइंग वेज भी इस तरह से भी ले सकते हो, उससे फिर तीनों फेसेस का तुम्हारा वर्टिकल ये वाला फेस हो, बेस हो या फिर ये वाला हो, तीनों के ऊपर हमारा प्रेशर सेम आ जाएगा, इनफाइनिटेसिमल वेज लेके अगर करेंगे तो टू हो जाएगा, ठीक है, यही बात दिखाई है, ओके। तो क्या लिखा, पी एक्स पार्ट कैन बी इजिली सीन बाय सिमेट्री और कंसिडरिंग, हाँ ठीक है, पी एक्स पार्ट मैंने बता दी ना, सिमेट्री की वजह से होगा, ठीक है। सिंस ऑल पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड आर इन इक्विलिब्रियम एंड इन कॉन्टैक्ट विद एडजेसेंट पार्टिकल्स ड्यू टू एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल न्यूटन्स थर्ड लॉ, एनी चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड कैन कॉज द सेम चेंज एट अदर पॉइंट्स विद इन द फ्लूइड, ये नई बात मैंने बोली है, नहीं तो क्या कॉन्सिक्वेंस है, कई जगह तुम देखोगे बुक्स में पास्कल्स लॉ अगर पढ़ोगे तो पास्कल्स लॉ की ये स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि एक किसी गिवन पॉइंट पे प्रेशर सब डायरेक्शन में सेम होता है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है, ऑल्दो ये करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो अच्छी है फ्लूइड मैकेनिक्स की किताब है संजय के हिसाब से यही स्टेटमेंट है, ज्यादातर किताबों में इसका कॉन्सिक्वेंस लिखा होता है। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर मेरा प्रेशर किसी जगह पे कुछ बढ़ गया, लेट अस से इट इंक्रीजेस बाय सम अमाउंट, तो लिक्विड में सब जगह उसी अमाउंट से हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा कन्फाइंड लिक्विड में, क्यों, क्योंकि इसने अगले पार्टिकल को फोर्स दिया, तो अगला पार्टिकल उससे अगले पार्टिकल को फोर्स देगा और हर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, अगर एक पार्टिकल पे कहीं फोर्स इंक्रीज करोगे तो सब जगह उतना ही फोर्स तुम्हारा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंस है, इसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं। क्या लिखा, सिंस ऑल पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड आर इन इक्विलिब्रियम एंड इन कॉन्टैक्ट विद एडजेसेंट पार्टिकल्स ड्यू टू एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल इन न्यूटन्स थर्ड लॉ, एनी चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड विल कॉज द सेम चेंज एट ऑल अदर पॉइंट्स विद इन द फ्लूइड, कहीं पे एक जगह प्रेशर चेंज होगा पूरे फ्लूइड में सब जगह उतना ही प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। पास्कल्स लॉ इज ऑल्सो वैलिड इन एक्सेलरेटेड वेसल्स बिकॉज एक्सेलरेशन कैन ऑलवेज बी अकाउंटेड एज स्यूडो ग्रेविटी इन वेसल फ्रेम, तो एक्सेलरेटेड वेसल्स के लिए भी ट्रू है, एक्सेलरेटेड वेसल है तो उसको तो एक्सेलरेशन तो क्या है, ग्रेविटी में मॉडल कर ही सकते हैं ना हमेशा स्यूडो ग्रेविटी की तरह, ठीक है, ये समझ में आया, एक बार देख लो सेक्शन, कुछ डाउट है तो बोलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है किसी फ्लूइड के अंदर, स्टैटिक प्रेशर का वेरिएशन विद डेप्थ और सेम लेवल पे कितना प्रेशर होता है, तो वो सिंपल सा हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, अक्सर हम पानी के अंदर पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते रहेंगे, मतलब हम क्या मानेंगे कितना पानी बाकी के पानी में सबमर्ज्ड है, मेंटली ऐसा काम करते रहेंगे, ऐसे सोचना कि एक तरीका सोचने का भाई बाल्टी के अंदर इतना पानी भरा हुआ है, हम क्या कह सकते हैं बाल्टी में इतना पानी नहीं भरा हुआ है, इतना पानी जो बाकी के सराउंडिंग पानी के अंदर डूबा हुआ है, ऐसा भी सोच सकते हैं मेंटली, मंटली तो सोच ही सकते हैं एफबीडी बनाने के लिए, तो यही काम बहुत जगह पे हम करेंगे, वही काम करते हैं। तो स्टैटिक प्रेशर वेरिएशन देखते हैं। अच्छा बिफोर आई डू द डेरिवेशन एक चीज समझ लो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है वेक्टर कैलकुलस का, टेलर अप्रोक्सीमेशन मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस में पता नहीं पहले दिया है कि नहीं, बट यहाँ पे देख लो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड प्लस डेल्टा जेड क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड, इसका वन डायमेंशनल वर्जन मेरे ख्याल से बेसिक मैथ्स में तुम्हें बताया था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये उसी का मल्टी वेरिएबल वर्जन, कहीं कहीं पे इसकी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे स्टेट कर देंगे, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास कोई ये मेरा कोई फ्लूइड का एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो प्रेशर पी है और इससे डेल्टा वाई दूरी पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पे मान लिया प्रेशर पी प्लस डेल्टा पी है, ठीक है, ऑब्वियसली पी प्लस डेल्टा पी को पी प्लस डेल पी बाई डेल वाई टू डेल्टा वाई लिख सकते हो, ऑल्दो इसकी मैंने जरूरत नहीं समझी मतलब यूज नहीं किया, बट यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए पी प्लस डेल्टा पी ही मान लो, राइट। तो अब फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड का सिलेंडर है ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, यानी हम क्या कह सकते हैं इधर से पी इंटू डेल्टा ए शुड बी एक्जैक्टली इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए, राइट, समझ में बात की नहीं, वही क्रॉस सेक्शन का हमारा सिलेंडर है तो इधर से पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए लग रहा है, इधर से पी इंटू डेल्टा ए लग रहा है, तो समझ गए कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है
डेल्टा पी जीरो होना चाहिए, ठीक है वही लिखा होगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए देखो प्रेशर वेरिएशन के लिए क्या किया यहाँ पे, तो क्या लिखा, कंसिडर अ फ्लूइड एलिमेंट एज शोन इन द फिगर हियर, वाई डायरेक्शन इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारी, ओके। तो P इंटू डेल्टा इधर से फोर्स, P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा इधर से फोर्स, और इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, तो इससे मेरे पास क्या आ गया डेल्टा P जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर जो है हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी वेसल के अंदर हो और सेम लेवल पे सेम प्रेशर रहेगा उस वेसल में, किसी भी डायरेक्शन से ले जाओ, सो लॉन्ग एज यू आर नॉट चेंजिंग द डेप्थ, ठीक है। किसी भी वेसल में सेम लेवल पे सेम प्रेशर रहेगा, ऑब्वियसली एक्सीलरेटेड वेसल्स की बात नहीं हो रही, अदरवाइज एक्सीलरेटेड वेसल्स में फिर इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को सेम लेवल का आ जाएगा, ठीक है समझ में आई बात करनी। तो क्या लिखा, इन एनी कन्फाइंड कॉन्टिन्यूस बॉडी ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज इक्वल। अब वर्टिकल के लिए बात करते हैं, तो वर्टिकल के लिए फिर से ऐसा सिलेंडर बना लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मान लो प्रेशर पी है, ऊपर मान लो प्रेशर पी प्लस डेल्टा पी है, ऑब्वियसली वो पी प्लस डेल्टा इसके बराबर भी हो गई, बट चाहो तो सीधे पी प्लस डेल्टा पी लिख लो लेटर से, ठीक है। तो अभी वर्टिकल फोर्स बैलेंस करते हैं। अच्छा बाय द वे रो जी को गामा यूज किया, जिस टेक्स्ट बुक में मैंने से लिया है उसमें गामा बोलता है वो रो इंटू जी के प्रोडक्ट को, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के प्रोडक्ट को वो सीधे गामा बोल देता है, ठीक है। तो अभी वर्टिकल में अगर मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो ऊपर से नीचे क्या लग रहा है, पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए लग रहा है, नीचे से क्या लग रहा है, पी डेल्टा ए लग रहा है, और नीचे इसका वेट लग रहा है वो कितना होगा, बेसिकली रो जी डेल्टा ए इंटू डी जेड, डी जेड या डेल्टा जेड बोल दो, डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड इसका वॉल्यूम है, राइट। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आएगा, और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा, तो ये वेट वेट लिखा होगा, समझ गए। तो वर्टिकल नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट और ये वाला फोर्स, पी प्लस डेल्टा पी और वेट, और नीचे पी लग रहा है, इन दोनों को मैंने बैलेंस कर दिया, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, डीपी बाई डी जेड क्या आ गया मेरा, अगर ये डेल्टा जेड की जगह डी जेड ले लो, डीपी बाई डी जेड क्या आ गया मेरा माइनस गामा, तो डीपी क्या आ गया मेरा माइनस गामा डी जेड, राइट। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर, अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, अगर सोचो तो प्रेशर मेरा घटेगा, किस रेट से घटेगा, रो जी डी जेड, यहाँ पे अगर प्रेशर पी है और ऊपर चला गया मैं थोड़ा सा डी जेड डिस्टेंस, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस रो जी डी जेड हो जाएगा, यानी कितना चेंज होगा, समझ गए। तो ये जो इक्वेशन है, अगर ये वेरिएबल डेंसिटी है तो भी ट्रू है, यहाँ पे मैंने कहीं ये चीज यूज नहीं की कि डेंसिटी मेरी कांस्टेंट है, मतलब छोटा सा एलिमेंट है तो ये फिर भी लिख ही सकता हूँ, छोटे से एलिमेंट पे तो डेंसिटी वेरिएशन को इग्नोर कर ही सकता हूँ। दिस इक्वेशन इज वैलिड वेदर और नॉट योर फ्लूइड इज हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी, अगर डेंसिटी मेरा डेप्थ का फंक्शन है तो रो को एज अ फंक्शन ऑफ जेड डाल के फिर इंटीग्रेट करके प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट प्रेशर डिक्रीजेस एज वन मूव अपवर्ड्स इन फ्लूइड, ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटते जाएगा, नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब क्या बोला, इफ पी नॉट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर इन लिक्विड ऑफ कॉन्स्टेंट डेंसिटी एट डेप्थ एच फ्रॉम फ्री सर्फेस क्या आ जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, यहाँ पे अगर पी नॉट है प्रेशर, इधर से फ्री सर्फेस से एच डेप्थ पे जाओगे तो पी नॉट प्लस रो जी एच प्रेशर हो जाएगा। वो चाहो तो डायरेक्ट एक एफबीडी बना के देख सकते हो या फिर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके देख सकते हो, ठीक है समझ गए कि नहीं। जेड इक्वल टू जीरो पे प्रेशर जो है तुम्हारा क्या, पी ले लो, और जेड इक्वल टू जो एच है उसके ऊपर प्रेशर पी नॉट ले लो, फिर इंटीग्रेट कर दो अप्रोप्रिएट लिमिट आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एट एनी डेप्थ एच फ्रॉम द फ्री सर्फेस, एच क्या है यहाँ पे, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सर्फेस है, ध्यान रखना इसमें जो जेड था वर्टिकली ऊपर डायरेक्शन में रखा था, यहाँ पे एच है नीचे की डायरेक्शन में, फ्री सर्फेस से डेप्थ है एच, ओके। अच्छा इफ डेंसिटी वेरीज विद डेप्थ वी कैन राइट इक्वेशन वन एज डी पी इज इक्वल टू रोजी डी एच, इस वाली इक्वेशन को रोजी डी एच लिख सकता हूँ, माइनस डी जेड इज सेम एज डी एच, अगर एच मैंने डेप्थ को बोला है तो जेड मेरा हाइट है और एच मेरा डेप्थ है, तो ऑब्वियसली डी एच जो है माइनस डी जेड के बराबर होगा, राइट। तो हम dH के टर्म्स में भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, dP is rho g dH and then integrate in appropriate limits after putting rho as a function of depth to get the required pressure function। एक बार देख लो सेक्शन, कुछ डाउट है तो बोलो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, let me know, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तुम लोगों ने शायद गैरेज वैरेज में देखा होगा, कहीं पे गैराज होते हैं जहाँ पे वर्कशॉप वगैरह होती है, वहां पे कार्स की धुलाई वुलाई के लिए उनको ऊपर उठाया जाता है, जैक लगा देते हैं नीचे और उसको फिर यहाँ से पंपिंग वगैरह करते हैं जिससे जो कार है धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे पंपिंग कैसे करते हैं, यहाँ जो भी जैक है उसके नीचे हम हवा पंप कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पंप वगैरह होगा जिससे हवा पंप करेंगे, ठीक है। वैसे तो हाथ से भी हम पंपिंग कर करके उठा सकते हैं चीजें, जैसे अगर मान लो कहीं और खराब हुई तो इस तरह के न्यूमेटिक जैक्स आते हैं जो रोड साइड पे भी तुम लोग कार को उठा सकते हो, बार बार पंप कर करके हवा उठा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे इसको उठा रहे हैं कार को। तो अभी क्या पूछा है हमको, न्यूमेटिक जैक इज यूज्ड इन सर्विस स्टेशन एज शोन, द कार एंड द लिफ्ट वे 25 किलो न्यूटन, तो ये कार का और इसके नीचे जो लिफ्ट लगी है इसका वेट कितना है, 25 किलो न्यूटन, ठीक है। डिटरमिन द फोर्स दैट मस्ट बी डेवलप्ड बाय द एयर कंप्रेसर एट बी
टू रेज द लिफ्ट एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो क्या है यहाँ पे देखो, ये जो कॉम्प्रेसर है यहां से ये कुछ प्रेशर जनरेट कर रहा है। अब ये जो भी प्रेशर जनरेट कर रहा है उस प्रेशर, वही प्रेशर यहाँ पे भी एक्ट करेगा। अगर गैस की डेंसिटी को नेग्लिजिबल मान लो, गैस की डेंसिटी नेग्लिजिबल मान लो, तो मैं कह सकता हूँ कि रो जी एच वाला टर्म नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और गैस की डेंसिटी तो वाकई में लिक्विड्स की डेंसिटी से बहुत कम होती है, तो गैसेस में छोटी हाइट्स के लिए प्रेशर वेरिएशन को इग्नोर कर देते हैं, कॉन्स्टेंट डेंसिटी मान लेते हैं। अब जिस कमरे में हम बैठे तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पे भी, यानी सॉरी, इस फ्लोर पे भी पी नॉट प्रेशर और छत पे भी पी नॉट प्रेशर, कोई खास फर्क नहीं है प्रेशर पर, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो दिस प्रेशर इनटू ये वाला एरिया, इतना फोर्स लगेगा ना लिफ्ट के ऊपर, और वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तो उसका यूज करके यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। और जो भी प्रेशर यहाँ पे वही प्रेशर यहाँ पे, अब कंप्रेसर को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कंप्रेसर कैसे फोर्स लगा रहा होगा, सोचिए ये जो पतला सा पाइप है इसके अंदर कोई पिस्टन होगा जो धक्का दे रहा होगा गैस को, राइट। तो क्या हो जाएगा, पिस्टन का एरिया इंटू प्रेशर कर देंगे तो कंप्रेसर का फोर्स आ जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे देखने लायक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है, इधर बहुत पतला है पाइप, राइट। तो यहाँ पे जो होगा सेम प्रेशर के लिए फोर्स बहुत स्मॉल आएगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा, तो कंप्रेसर थोड़ा सा फोर्स लगाएगा तो भी मेरी कार ऊपर चली जाएगी, समझ में। ये एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज, आई कैन पुश द कार अप इवन विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हाई, बिकॉज द एरिया ओवर हियर इज स्मॉल। बट यहाँ पे बच्चों को लगता है सर ये तो कोई एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कि कोई वायलेशन नहीं है यहाँ पे, होगा क्या, ये अगर बहुत पतला है, लेट अस से ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर का है और ये 1 मीटर स्क्वायर का है, तो इसको अगर थोड़ा सा अगर तुम धक्का दोगे तो कार हल्की सी उठेगी जरूर, लेकिन कितना उठेगी सोच के देखो एरिया के इनवर्स रेशियो में, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कंजर्व रहेगी। यहाँ से एयर को अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड माना है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एरिया अगर स्मॉल ए है और इसका डिस्प्लेसमेंट एल है, स्मॉल ए इंटू एल इतना वॉल्यूम पुश्ड होगा, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर मान लो कैपिटल ए एरिया है, कैपिटल ए और वहां पे कुछ इसको एक्स मान लो, तो कैपिटल ए इंटू एक्स विल बी स्मॉल ए इंटू एल, तो समझ में आ रहा है, जो एक्स होगा वो बहुत ही छोटा होगा, 1 मिलीमीटर पतले पाइप में अगर तुम धक्का देगा बहुत लंबे डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा। तो एनर्जी के टर्म्स में कोई एडवांटेज नहीं है, वर्क तुम्हें उतना ही करना पड़ेगा कार को उठाने के लिए, राइट, ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में कोई एडवांटेज नहीं, लेकिन फोर्स के टर्म्स में एडवांटेज है। अभी क्या है, कोई यानी दुबला पतला था, अभी आदमी धीरे धीरे पंपिंग कर करके धीरे धीरे चढ़ा लेगा अपनी कार को, बेशक उसको घंटा भर लग जाए, बट धीरे धीरे करके राइज होगी, डेल्टा बाय डेल्टा करके उड़ जाएगी कार, समझ में बात करी। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमैटिक लिफ्ट्स, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, अच्छा, इसका डायमीटर 15 mm दे रखा और इसका डायमीटर 280 mm दे रखा। अब तो कैलकुलेशन की बात बचती, तो क्या लिखा, Since the specific weight of air is negligible, pressure at A must be equal to the pressure at B. A और B के pressure को equal मान लिया, ठीक है। Pressure at A क्या हो जाएगा? ये lift और car का जो भी force है divided by area, FB upon AB. Just सुन, हाँ हाँ ठीक है। तो A पे जो pressure है और ये pressure तो बराबर ही है, तो यहाँ पे pressure क्या होगा? Force upon area at B. That is also the pressure at A. अच्छा, और pressure at A क्या है मेरा? इसका total weight divided by area. राइट, तो प्रेशर एट ए इज टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल एरिया उसके इक्विलिब्रियम के लिए। तो क्या हो गया, वेट अपॉन एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्स एट बी अपॉन एरिया ऑफ बी, इससे फोर्स एट बी क्या आ गया, डब्ल्यू इनटू एरिया ऑफ बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए, तो बहुत छोटा फोर्स आ जाएगा, राइट। तो 25 kN इनटू वो पाई डी स्क्वायर बाय 4 करना था, ठीक है, मतलब या तो उसको रेडियस में कन्वर्ट किया होगा, रेडियस में कन्वर्ट करते पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर कर दिया, तो इससे कैलकुलेट करते हो तो बस 71.7 newton, इतने कम फोर्स के अंदर तुम इसको उठा सकते हो, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 kg उठाने जैसा फोर्स है, इतने से फोर्स में इतनी भारी कार को उठा पाओगे, बस इतना सा फोर्स लगा दो, राइट, यानी इस कार को बैलेंस करना तो इधर से बस 7 newton फोर्स लगाओगे और ये कार उठना चालू हो जाएगी 7 newton के आसपास, ठीक है, ओके। तो समझ में आई बात क्या, नहीं, ठीक है, अच्छा ये 7 newton गलती से बोले, 71.7 newton और एक्चुअली 7 kg में कहना चाह रहा था, 7 kg का जो वेट है वो दैट इज सेट, ठीक है, 7 kg के बराबर वेट, ओके। क्या लिखा, दिस माइट सीम सरप्राइजिंग दैट हाउ 25 kN कैन बी सपोर्टेड बाय अप्लाइंग सो लिटल फोर्स, हाउएवर दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पास्कल्स लॉ। ये यूज ही होता है तुम्हारे न्यूमैटिक लिफ्ट्स में, जब जनरली ये यूज ही होता है, ठीक, कई जगह। दिस डज नॉट मीन एनी काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, टू रेज द कार टू सर्टेन हाइट पिस्टन विल हैव टू मेक मेनी टाइम्स मोर डिस्प्लेसमेंट since volume of the air is conserved, thus force applied at A into H is equal to force at B into L, where H is the height raised and L is the cumulative displacement of the piston while applying the force. समझ गए, तो इसको कई बार ऐसे ऐसे करके नॉर्मली क्या होगा, अगर आजकल तो खैर इलेक्ट्रिक कंप्रेसर से ही काम करते हैं, लेकिन कई जगह पे पहले ये हाथ से करने वाले भी होते थे, तो हाथ से ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करके धक्का देते रहते थे, तो एक स्ट्रोक में थोड़ा सा मूव किया, फिर उसके बाद यहाँ वॉल्व क्लोज हो गया, फिर ये ऊपर ले गए, फिर एक और स्ट्रोक दिया, फिर वॉल्व क्लोज ओपन हो गया, फिर इसको, समझ गए, ऐसे
ऐसे करके धीरे धीरे करके इसको ऊपर नीचे करते हैं और वो प्रेशर प्रेशर वो ऊपर उठते चले जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी होते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट हाथ से ऐसे ऐसे करने के, ऐसे भी होते हैं कि वो रोटेटरी होते हैं, रोटेट करते जाओ उससे पिस्टन धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं, तो उससे भी अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं एफर्ट कम करने के, ठीक है। तो समझ में आया ना, तो क्या लिखा, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कोई वायलेट नहीं हो रहा, वर्क डन जो वो सेम ही रहेगा, ए के ऊपर ए पे जो फोर्स लग रहा है इनटू उसका हाइट रेस, वही ग्रेविटेशन इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी का, उतना ही यहाँ पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो देयर इज नो एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ओनली इन टर्म्स ऑफ फोर्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। सबसे पहला हमारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर। तो ये कैसे वर्क करता है समझना, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पूरी ट्यूब को मरकरी से भर लेते हैं, पूरी ट्यूब नीचे से ऊपर तक पूरा फुल, जरा सा भी कुछ और फ्लूइड नहीं है, ओनली मरकरी इन द एंटायर ट्यूब, ठीक है। वो मरकरी ट्यूब में मैंने पूरा मरकरी भरा हुआ यानी ट्यूब में, और ऊपर से हाथ से मैंने इसको पकड़ा हुआ, और नीचे मेरे पास एक ट्रफ है, ट्रफ के अंदर भी मैंने मरकरी भरा हुआ। अब क्या किया, ऊपर से मैंने ट्यूब को उल्टा किया और मरकरी ट्रफ के अंदर मैंने इसको डिप किया और नीचे से हाथ हटा लिया। तो अभी क्या होगा, नीचे से हाथ हटालूंगा तो अब मरकरी लेवल नीचे आ सकता है, लेकिन तुम्हें पता है कि यहां से कोई एयर इसके अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि मरकरी के अंदर ही तुमने नीचे जाके हाथ हटाया, राइट। तो क्या होगा, अब नीचे से हाथ हटा लिया तो सपोर्ट खत्म हो गई, तो ऊपर से मरकरी का लेवल नीचे आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एयर नहीं है तो फिर क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है इसका अंदर, समझ में बात नहीं, यहाँ पे वैक्यूम है। अब यहाँ पे देखना, सेम लेवल पे तो प्रेशर सेम होता है सेम लिक्विड में, तो यहाँ पे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, इसका अंदर यहाँ पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, राइट। अब यहाँ पे तो जीरो प्रेशर है, और यहाँ से एच डेप्थ के साथ यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, रोजीएच हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पी एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, सिंपली रोजीएस। तो इसमें अगर मैं एच हाइट को देख लूं तो एच हाइट को देख के मेरे को एटमॉस्फेयर प्रेशर मिल जाएगा, समझ में आई बात की। तो दिस इज हाउ अ शॉर्सिलीज बैरोमीटर भी बोलते हैं इसको, या सिंपल बैरोमीटर बोलते हैं, ये वर्क करता है। मरकरी क्यों यूज करते हैं, मरकरी में छोटी सी हाइट में काम चल जाता है, 760 mm ऑफ मरकरी या 76 सेंटीमीटर में काम चल जाता है। इसी जगह अगर वाटर यूज करोगे, वाटर के साथ मेरे ख्याल से 10.3 meters के आसपास हाइट आती है वाटर अगर यूज करोगे, तो फिर सोचो 10 मीटर ऊंचा कितना ऊंचा बैरोमीटर हो जाएगा, प्रेशर मेजर करने जा रहे हो ट्रक में लाद के ले जा रहे हो बैरोमीटर, तो इसलिए मरकरी यूज करते हैं। जल्दी से पढ़ देता हूँ, अ बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वर्किंग ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम एडजेसेंट फिगर, द अपैरेटस कंसिस्ट्स ऑफ अ ट्रफ कंटेनिंग मरकरी एंड एन इनवर्टेड ट्यूब विच हैज वैक्यूम एट इट्स अपर पोर्शन एंड मरकरी इन द लोअर पोर्शन, यहाँ वैक्यूम है और यहाँ पे मरकरी है। दिस कैन बी डन बाय इनवर्टिंग अ फुली फिल्ड सील्ड ट्यूब इन द ट्रफ and then removing the seal, seal को हटा दिया उसके बाद। Now let h be the height of mercury in the vertical tube above the free surface of mercury in the trough. Then since pressure at same level in the liquid is same, rho g h is equal to p atmosphere. So where rho is the density of mercury, p atmosphere is atmospheric pressure. तो बस फिर क्या हो गया, p atmosphere के आगे rho g h के बराबर आ गया। तो बस h देख के हमें पता चलेगा, ठीक है। ध्यान रखना वैक्यूम जो होगा वहां पे जीरो प्रेशर होगा, क्यों होगा वैक्यूम का प्रेशर जीरो, क्योंकि कोलाइड करने के लिए है ही नहीं, कोलाइड करेगा तब तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वैक्यूम का प्रेशर जीरो होगा, ठीक है, बिकॉज़ देयर इज नो मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड, सिंपल बैरोमीटर के लिए ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, मर्करी इज प्रेफर्ड लिक्विड फॉर बैरोमीटर ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, वी कैन रीराइट द बैरोमीटर इक्वेशन एज एच इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर अपॉन रो जी, ठीक है। तो द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रो, greater the value of h, for water the required height will be about 10 meter, while for mercury it is just 76 centimeter, ठीक है। This is because specific gravity of mercury is 13.6 times, that is, it is 13.6 times more heavier than water. Sometimes we come across problems involving defective barometers in which some air is trapped at the top of barometer. ये thermodynamics में देखेंगे इस टाइप की problems, क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत air trap कर देती है, एयर ट्रैप कर देते तो फिर यहाँ पे प्रेशर जीरो प्लस रोजीएच नहीं लिख पाओगे, वहां पे एयर प्रेशर प्लस रोजीएच लिखना पड़ेगा, उसकी वजह से थर्मोडायनेमिक्स की ठीक ठाक प्रॉब्लम बन जाती है। उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन माना जाता है एयर का, या आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन मानते हुए की जाती है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे उस तरह की प्रॉब्लम, शायद केमिस्ट्री में कर चुके हो, ठीक है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखेंगे उस तरह की प्रॉब्लम, ओके। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी समझ में आती है, मान लो ये ट्यूब हमने बोल तो दिया 76 सेंटीमीटर मरकरी है, मान लो इस ट्यूब की हाइट ही 50 सेंटीमीटर है, तब तो ऑब्वियसली 76 सेंटीमीटर चढ़ेगा नहीं। उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर ये इसकी हाइट सफिशिएंट नहीं है तो मरकरी पुश कर रहा होगा टॉप वॉल के अक्रॉस, टॉप सरफेस के अक्रॉस जोर से पुश कर रहा होगा, और वहां से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा वो कुछ नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट एरिया होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट एरिया प्लस हो जाए ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, समझ गए। अगर 76 सेंटीमीटर छोटी ट्यूब हो गई तो फिर नॉर्मल रिएक्शन होगा टॉप और पूरा भरा रहेगा, ठीक है। हाँ उससे बड़ा तो कितना भी ऊंचा हो फिर वो 76 सेंटीमीटर तक ही रहेगा, उसके ऊपर का पूरा खाली रहेगा,
इसके अलावा इसमें ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि बैरोमीटर को लिफ्ट में रख दिया तो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे जा रही है लिफ्ट तो क्या होगा, तो वो सब स्यूडो ग्रेविटी से तुम लोग एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना। ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो यहीं से देख सकते हो कि एच क्या आया तुम्हारा, देखो एच आया पी एटमोसफेयर बाय रो जी, तो इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ गई तो हाइट कम हो जाएगी, समझ गए कि नहीं। और इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो गई तो हाइट, हाँ कम हो गई तो बढ़ जाएगी और ज्यादा हो गई तो घट जाएगी हाइट, समझ गए कि नहीं। ठीक, क्लियर है सभी को? ओके आगे बढ़ सकते हैं, देख लो एक बार, कोई तो डाउट तो बोलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगली डिवाइस जो हमें देखनी है दैट इज मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या है, ये जनरली गैस चैम्बर्स वगैरह का प्रेशर निकालने के लिए होता है। तो मैनोमीटर में क्या है, जैसे ये गैस चैम्बर है इसके अंदर कुछ तो प्रेशर है, यहाँ पे क्या करते हैं एक यू यू शेप की ट्यूब हम लगा देते हैं, इस यू शेप की ट्यूब में मरकरी भरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो गैस यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा इस लिम्स में मरकरी का लेवल अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम लेवल पे जहां जब लिक्विड सेम है कॉन्टिन्यूस कॉलम में तो सी और डी पे तो सेम प्रेशर होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेशर, देखो डी पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पी नॉट प्रेशर है और ये एच डी है तो रो जी एच डी ही एड हो जाएगा, ओवर एंड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर यहाँ हो जाएगा और ये जो प्रेशर है वही पॉइंट सी पे भी प्रेशर होगा, उसको हम कह सकते हैं वही गैस का प्रेशर है। गैस के लिए ये हाइट की वजह से कोई प्रेशर डिफरेंस नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हाँ अगर गैस की जगह लिक्विड है प्रेशराइज तो फिर इसका लिक्विड का कॉलम भी लेना पड़ेगा, अगर पॉइंट बी पे प्रेशर कुछ और होगा सी पे कुछ और प्रेशर होगा तो बी के लिए फिर इस लेवल पे सेम प्रेशर मान सकते हैं लिक्विड के लिए, ठीक है। क्या लिखा, मैनोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड प्रेशर ऑफ गैसेस इन प्रेशराइज्ड चैम्बर्स और वैक्यूम प्रेशर इन चैम्बर्स एट सब एटमोस्फेरिक प्रेशर। कई बार क्या होता है वैक्यूम होती है, वैक्यूम मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे भरा हुआ गैस, तो यहाँ पे अगर मान लो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो यहाँ पे सक्शन की ये यहाँ पे एटमोस्फेयर तो जोर से दबा रहा होगा और ये धीरे से दबा रहा होगा, तो ऐसा फील होगा जैसे कि मर्करी कॉलम सक हो रहा है इसके अंदर, राइट। तो क्या होगा फिर, राइट लिम लिम में कम हाइट आ जाएगी, लेफ्ट लिम में ज्यादा हाइट आ जाएगी, सक्शन प्रेशर डेस्ट का फील होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल आके टकरा रहे हैं, इसको नीचे धक्का दे रहे हैं, और उधर क्या गैस के मॉलिक्यूल आके धक्का दे रहे हैं, गैस का प्रेशर कम है तो वो धीमे धीमे धक्का दे रहा है, एटमॉस्फेयर वाले ज्यादा ज्यादा धक्का दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा पुशिंग फोर्स मेथड कैसे सोच सकते, पुलिंग फोर्स मेथड होता है, तो नेट पुश क्या हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा, तो ये कॉलम दब जाएगा वो कॉलम दब जाएगा, इसका मतलब क्या यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। ओके ओके तो इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप ट्यूब फिल्ड विद लिक्विड एट सर्टेन स्पेस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेट, मान लो गामा प्राइम जो है स्पेसिफिक वेट है, ठीक है, एंड लेट गामा बी द स्पेसिफिक वेट ऑफ द गैस, तो गैस का गामा माना है और इसका गामा प्राइम स्पेसिफिक वेट, ठीक है, समझिए। ओके देन इक्वेशन इक्वेटिंग प्रेशर एट सी एंड डी, दोनों लेवल्स में अगर सी और डी पे प्रेशर इक्वेट करें तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एट ए प्लस गामा ऑफ गैस इंटू एच बी सी, राइट, ये यहाँ पे सी पे ये प्रेशर हो जाएगा और उधर से देखो तो डी पे भी वही प्रेशर होगा क्योंकि सेम लिक्विड चल रहा है, ठीक है। तो पी एटमोसफेयर प्लस गामा डैश एच एच डी ई, तो इससे ए का प्रेशर क्या आ गया, पी एटमोसफेयरिक प्लस गामा डैश एच डी ई माइनस गामा एच ई सी, रोजी को गामा बोलता है इसलिए, समझ में आया, सिंपल ही है ना, ठीक है। दस नोइंग द हाइट ऑफ द गैस एंड लिक्विड इन द टू लिम्स वी कैन फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट ए, बस हाइट पता है तो प्रेशर पता नहीं होगा। टिपिकली इन केस ऑफ गैसेस गामा इज नेग्लिजिबल एंड अकॉर्डिंगली द टर्म गामा एच बी सी इज इग्नोर्ड एंड द प्रेशर इज सिंपली रिटन एज पी एटमोसफेयर प्लस गामा डैश एच डी सी। क्लियर है सभी को, आया समझ में कैसे वर्क करता है मैनोमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा एक मिनट, एक डेफिनेशन भी और करनी है हमको, तो ये समझ में आया ना। इसके बाद अगली डेफिनेशन हमें देखनी है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है, जनरली मैनोमीटर से हमको डिफरेंस फ्रॉम एटमोस्फेरिक प्रेशर मिलता है रादर देन एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर टोटल प्रेशर में तो जो टर्म बचता है उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट ओवर एंड अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द गेज प्रेशर, ठीक है। दस इफ पी इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट एंड पी एटीएम इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो गेज प्रेशर क्या, पी माइनस पी एटमोस्फेरिक, राइट। तो मैनोमीटर से डायरेक्टली तुम्हें क्या मिल रहा है, ये जो चीज है ये मेरे को गेज प्रेशर दे रही है और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करोगे तो एब्सोल्यूट। तो नॉर्मली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट प्रेशर, नॉर्मली हम लोग खाली गेज प्रेशर में इंटरेस्टेड होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नियरली कांस्टेंट ही होता है 1.01 × 10⁵ के आसपास, और तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा, गेज प्रेशर ये हो गया। तो फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ गैसेस इफ यू यूज मैनोमीटर द गेज प्रेशर इज सिंपली गामा डैश एच डी ई, गामा डैश एच डी ई यानी खाली ये इतना जो कॉलम है इसके हिसाब से इसका मरकरी का रोजी इंटू ये वाला एच, ये मेरा गेज प्रेशर होगा गैसेस के लिए, नियरली हम कह सकते हैं यही गेज प्रेशर है, ठीक है।
ठीक है, तो दस वी कैन रीड द गेज प्रेशर डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द लिक्विड लेवल डिफरेंस इन द टू लिम्स ऑफ द मैनोमीटर। मैनोमीटर से गेज प्रेशर सीधे मिल जाएगा, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो गेज प्रेशर लिख के हमको कुछ हो जाएगा। इन मैनोमीटर ट्यूब प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम ओनली इफ द सेम कॉन्टिन्यूस लिक्विड कॉलम एग्जिस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। कहने का क्या मतलब है, यहां से लेके यहां तक लिक्विड सेम चल रहा है, इसलिए सी और डी पे प्रेशर सेम है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्लू लिक्विड और ग्रे लिक्विड में सेम प्रेशर होगा, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे लिक्विड अगर चेंज हो गया तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर इन जनरल नहीं होगा। सेम क्वांटिनियस कॉलम ऑफ लिक्विड चल रहा है तभी सेम प्रेशर होगा, ठीक है, नहीं तो सेम प्रेशर नहीं होगा। ओके, फॉर इंस्टेंस द मैनोमीटर शोन अबव द प्रेशर एट बी इज नॉट सेम एज द प्रेशर एट द सेम लेवल इन द राइट कॉलम। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन ही दिया है, ये वही वाला मैनोमीटर, उसकी फिगर यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो हमें कंपेयर करना है बी और बी डैश में किसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो अभी ध्यान से समझना, विच वन विल हैव हायर प्रेशर, बी और बी डैश। अभी ध्यान से समझना, सी और डी पे तो प्रेशर सेम है, सी और डी पे तो प्रेशर सेम है, यहाँ पे गैस है और यहाँ पे मरकरी है, ठीक है। तो अब ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटना शुरू होगा, तो राइट लिम में क्या होगा, मरकरी की डेंसिटी के हिसाब से घट रहा होगा प्रेशर, राइट, जबकि लेफ्ट लिम में गैस की डेंसिटी के हिसाब से घट रहा होगा। तो कहाँ पे ज्यादा डिक्रीज होगा, जल्दी जल्दी कहाँ डिक्रीज होगा, मरकरी कॉलम में जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा प्रेशर, राइट। इसका मतलब क्या है, सी और डी पे प्रेशर बराबर, और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन टर्म है बड़ा है, डी से बी डैश जा रहे हैं तो बड़ा सब्ट्रैक्शन टर्म है, तो बी डैश पे प्रेशर जो होगा बी से छोटा होगा। समझ में आई बात के लिए, बी डैश पे बी से छोटा प्रेशर होगा, ठीक है। जबकि इसके नीचे अगर दो पॉइंट्स लोगे, ई और एफ ले लो, तो उनका प्रेशर सेम ही होगा, और नीचे ले लो ई और एफ सेम प्रेशर होगा। जब जहां पे सेम लिक्विड कॉलम है तो सेम लेवल पे सेम होगा, लेकिन लिक्विड अलग अलग है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं होगा। तो यही थिंक वाला क्वेश्चन था, विच वन विल हैव हायर प्रेशर बी और बी डैश सेम इन द राइट ट्यूब। तो प्रेशर एट सी एंड डी इज सेम नाउ सिंस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ द गैस, प्रेशर अलोंग डी बी डैश डिक्रीजेस मोर देन व्हाइल गोइंग अलोंग सी बी। तो डी बी डैश के अलोंग ज्यादा घटा एज कम्पेयर टू सी बी के अलोंग जाना है, प्लस बी डैश है स्मॉलर प्रेशर देन बी, ठीक है। एक बार देख लो इसको, कहीं डाउट है तो मेरे को बोल दो, फिर आगे बात करेंगे। लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक फनल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है और यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। ओके, आप क्या बोला है, हाँ, फनल इज फिल्ड विद ऑयल एंड वाटर टू द लेवल्स एज शोन व्हाइल पोर्शन सी डी ऑफ द ट्यूब कंटेन्स मरकरी। सी से डी तक हमारा मरकरी है, क्लियर। डिटरमिन द डिस्टेंस एच द मरकरी लेवल इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑयल सर्फेस। हमें ये बताना है ये एच कितना है इधर से, ठीक है। टेक रो ऑफ ऑयल इज 880, रो ऑफ वाटर इज 1000 एंड रो एच जी इज इक्वल टू 13550। तुमको एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में भी काम कर ही सकते हैं। तो इसमें क्या करोगे, मान लो तुमको ये निकालनी है हाइट, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें पता है कि कहाँ पे प्रेशर इक्वेट करोगे, इस लेवल पे प्रेशर इक्वेट कर सकते हो दोनों लेंस में, ठीक है। ये मत कर देना कि यहाँ पे प्रेशर इक्वेट करने लगो, यहाँ पे कहीं पे भी प्रेशर और इक्वेट नहीं कर सकते। कहाँ पे प्रेशर इक्वेट कर सकते हो, यहाँ पे लिक्विड सेम है, इस लेवल पे अगर हम प्रेशर इक्वेट कर दें तो काम चल जाएगा, राइट। तो राइट कॉलम से भी इस लेवल पे प्रेशर देख लो और लेफ्ट कॉलम से भी यहाँ से प्रेशर देख लो। तो राइट कॉलम से देखो ये डेप्थ कितनी हो जाएगी, तो ये इधर से लेके इधर तक 0.7 मीटर है, राइट, और इधर से इधर तक तुम्हारा एच है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे 0.7 माइनस एच हो जाएगा, ये वाली समझ में आ रही बात के लिए। तो रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू 0.7 माइनस एच, वो यहाँ पे राइट लिम से इस लेवल पे प्रेशर आया, ठीक है। और यहाँ पे कितना प्रेशर हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 0.3 मीटर, और यहां से यहां तक क्या होगा, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0.4 मीटर, वो यहाँ पे लेफ्ट लिम से दिख रहा है सी लेवल पे प्रेशर। तो इस लेवल पे दोनों लिम से प्रेशर इक्वेट कर दो, सीधे एच में इक्वेशन में, वो समझ में कि नहीं। क्या किया, इक्वेटिंग द प्रेशर एट पॉइंट सी फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स, क्या लिखा, रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 0.3, ठीक है, समझ गए, ये ऑयल का, प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0.4, ये वाटर कॉलम की वजह से प्रेशर इज इक्वल टू रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू 0.3 प्लस 0.4 एंड माइनस एच। बस इसको यूज करके जी को तो कैंसिल कर लो, थ्रू आउट जी कैंसिल ही हो जाएगा, राइट, और बाकी डेंसिटीज की वैल्यूज डाल दोगे, सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू 0.651 मीटर आ जाती है, ठीक है। क्लियर है सभी को, आया समझ में। अच्छा, यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं लिया, हमने गेज प्रेशर में काम किया, यहाँ पे चाहो तो पी नॉट इधर ऐड कर लो, इधर भी पी नॉट ऐड हो जाए, वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम गेज प्रेशर में भी काम कर ही सकते हैं। बस ध्यान रखना कि दोनों साइड एक्सपोज टू एटमोसफेयर है तो गेज प्रेशर में काम कर लो। तो फनेल तो खुली होती है, फनेल तो क्लोज नहीं होती, तो यहाँ से भी पी नॉट लग रहा है, यहाँ से भी पी नॉट लग रहा है, ठीक है। फॉर दैट मैटर अगर डब्बा बंद भी हो लेकिन अंदर एटमोसफेयर प्रेशर पे एयर भरी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी लीकेज होगी तो एटमोसफेयर प्रेशर पे भर जाएगी, या कैसे भी करके सील करते टाइम एटमोसफेयरिक प्रेशर पे ही सील कर दे तो ठीक है, अंदर एटमोसफेयरिक प्रेशर होगा, राइट। जैसे नॉर्मली तुम्हारा
जो भी होता है लेस के चिप्स चिप्स होते हैं, इसमें प्रेशराइज्ड एयर थोड़ी ना होती है, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे एयर होती है। तो ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, क्लियर है? एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। न्यूमेरिकल क्या मतलब सिंबल्स में किया हुआ यहाँ पे, इसको इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर कह सकते हैं इस तरह से। यानी इस चैम्बर में मुझे प्रेशर निकालना है, तो इससे मैंने क्या किया, कोई ट्यूब वगैरह निकाल ली और इधर से दूसरे जगह मरकरी वगैरह कुछ भी भरा हुआ, तो इस तरह का भी हम मैनोमीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो द इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर शोन इन द फिगर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल प्रेशर चेंजेस, डिटरमिन द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड ई। पॉइंट ए से ई के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इफ द मैनोमीटर लिक्विड मरकरी इज एट द लेवल शोन, द पाइप ए कंटेन्स वाटर, वहां पे पानी है, ठीक है, एंड वन एट ई कंटेन्स नेचुरल गैस, और मरकरी एंड वाटर डेंसिटीज आर रो एम एंड रो डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करो अभी। हाँ, तुम्हारे प्रिंट आउट में शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ तक पानी, यहाँ से लेके यहाँ तक मरकरी है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक, जहां तक सी लिखा है यहाँ तक मरकरी है, इसके बाद नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस की डेंसिटी बहुत कम होगी मरकरी और वाटर के मुकाबले। ठीक है, गैस कॉलम की डेंसिटी इसको इग्नोर कर देंगे, अभी इसको खुद से ट्राई करो। हाँ, सिंपल ही है, यहाँ पे देखो ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, सी से डी तक जाएंगे, और फिर इसके आगे तो हम मान सकते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर है, गैस है तो कॉलम का वेट कोई खास मैटर नहीं करता गैसेस के लिए। ठीक है, क्या लिखा, हेयर वी विल ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू ई एडिंग ऑल द प्रेशर इंक्रीमेंट्स ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, ए से ई तक चलते जाओ, सारे प्रेशर इंक्रीमेंट्स ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो दस ए पे प्रेशर पी ए प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ तक वाटर कॉलम की डेप्थ ले ली, प्लस रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू बी, ये डेप्थ बी है तो यहाँ पे ये मरकरी कॉलम की डेप्थ ले ली। ठीक है, माइनस रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू सी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे अभी ऊंचाई बढ़ रही है इसलिए माइनस टर्म आया। ठीक है, हाइट के साथ प्रेशर घटता है, डेप्थ के साथ बढ़ता है, तो और सी साइन थीटा इसका वर्टिकल हाइट है, राइट, तो इसलिए रो एम जी सी साइन थीटा, और फिर उसके बाद यहां से यहां तक जीरो मान लिया। ठीक है, इक्वल टू प्रेशर एट ई, तो बस इससे पी ए माइनस पी ई मेरा गया होगा। ठीक है, वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिकली वैक्यूम प्रेशर भी हो सकता है, मतलब रिलेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, वो देख ली, वैल्यूज डालोगे तो पता चल जाएगा जो भी आने पाते। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डेराइव करने वाले हैं, ये बहुत जगह यूज होगा। वो क्या रिजल्ट है, पहले रिजल्ट बता देता हूँ, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। अगर मान लो मेरे पास कोई भी लैमिना है और वो लिक्विड में सबमर्ज है, लैमिना समझते हो फ्लैट, लैमिना मतलब कर्व नहीं, लैमिना मतलब फ्लैट शीट है कोई, उसको मैंने लिक्विड में डुबाया हुआ है, उसके ऊपर कुछ तो फोर्स लग रहा होगा लिक्विड का, तो रिजल्ट क्या है, जो भी एरिया मैंने डुबाया उसका कहीं तो सेंट्रॉइड होगा, उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली एरिया ऑफ द लैमिना इंटू प्रेशर एट द सेंट्रॉइड। समझ गया क्या है, मैंने स्टेट किया, इंप्रूव नहीं किया, क्या करना है, उतना लंबा चौड़ा जैसा मर्जी लैमिना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी शेप का लैमिना, अगर मुझे उसका सेंटर ऑफ मास पता मिल गया, एक्चुअली सेंट्रॉइड मतलब यूनिफॉर्म शीट्स मान लो तो सेंटर ऑफ मास से ही सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास सेम हो जाएंगे, राइट, अगर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की शीट मान लें सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास सेम हो जाएंगे, जैसे मान लो सेमी सर्कुलर शीट है तो इसका कहां पे आ जाएगा, इसका 4r/3π पे होता है, जैसे तो सेंट्रॉइड एरिया है तो सेंट्रॉइड 4r/3π पे हो जाएगा, राइट। तो क्या करना है, शीट का सेंट्रॉइड देख लो कहां पे सबमर्ज पार्ट का, उस पर प्रेशर निकाल लो, उसकी वर्टिकल डेप्थ देख लो कि फ्री सरफेस है किधर डेप्थ है, तो रो जी एच इनटू एरिया ऑफ द शीट कर दो बस, तो वो हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन, फोर्स तो आ जाएगा लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो सेंट्रॉइड नहीं होता, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ये होता है ना इफेक्टिव की टॉर्क से मना चाहिए तुम्हारा, तो फोर्स लगाना है उतना, लेकिन कहाँ पे लगाना है उसकी बाद में करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, समझ में, डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू लैमिना होगी, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लैमिना, ये हमारा फोर्स होता है। इसका प्रूफ क्या, वो अभी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या लिखा, कंसीडर द सबमर्ज्ड लैमिना, वी विश टू फाइंड द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू गेज प्रेशर ऑन इट। अच्छा, बाय द वे हम लोग गेज प्रेशर फोर्सेज में इंटरेस्टेड होते हैं, गेज प्रेशर फोर्स क्या होता है, पी नॉट माइनस कर दो, क्योंकि क्या होगा, ये अगर कोई भी लैमिना या कोई भी बॉडी मान लो सबमर्ज्ड है तो उसको इधर भी पी नॉट तो लगी रहोगा ना, पी नॉट प्लस समथिंग, यहाँ पे भी पी नॉट प्लस समथिंग, यहाँ पे भी पी नॉट प्लस समथिंग, यहाँ पे भी पी नॉट प्लस समथिंग, सब तरफ से जो पी नॉट लग रहा है उसका नेट रिजल्टेंट तो जीरो हो जाता है, तो हम जनरली इंटरेस्टेड किस में होते हैं, हम गेज प्रेशर फोर्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं, पी नॉट को इग्नोर करके हम बाकी के फोर्सेस निकालते हैं। ठीक है, और अगर मान लो गेज प्रेशर फोर्स की जगह टोटल फोर्स निकालना, तो फिर पी नॉट इंटू ए सब जगह ऑफसेट हो जाएगा, पी नॉट सब जगह ऐड हो रहा है, तो पी नॉट ए और ऐड हो जाएगा, समझ में आई बात नहीं, तो गेज प्रेशर फोर्स निकाल के उसके बाद पी नॉट ए और ऐड कर तो टोटल फोर्स आ जाएगा, समझ में आई बात नहीं, क्या लिखा, we wish to find the resultant hydrostatic force due to the gauge pressure on it,
वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एज अ हॉरिजॉन्टल ऑन वाटर, तो इसको मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वाटर सरफेस इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, लैमिना के प्लेन में, ओके, एंड वाई एक्सिस एज द लाइन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, तो लैमिना का कोई तो स्टीपेस्ट डिसेंट वाली लाइन होगी ना, समझ रहे हो, स्टीपेस्ट डिसेंट की लाइन, कोई भी अगर इंक्लाइन प्लेन है तो ये मेरा स्टीपेस्ट डिसेंट का लाइन है, इसमें तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो लाइन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट को हमने वाई एक्सिस बोला, ठीक है, स्टीपेस्ट स्लोप इन द लैमिना. Now force experienced by an element dA, तो यहाँ पे इसके ऊपर force कितना होगा, क्या हो जाएगा, अगर इसकी vertical depth h है, मान लो free surface से ये depth h है, समझ रहे हो, ये छोटा सा area ले रहा है, side भी दिखा रहा है, तो rho g h into dA इसके ऊपर force होगा, right? और इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, rho g sin theta, y sin theta लिख सकता हूँ ना, h को देखो, ये vertical depth इसकी free surface से h है, और ये तुम्हारा y है, तो ये y sin theta हो गया ना h, बोलो, इसको rho g y sin theta into dA भी लिख सकता हूँ, राइट, समझ में आया, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रो जी साइन थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ वाई डी, समझ में आई बात करनी, ठीक है, अब इसको क्या क्या कर रहा हूँ, इसी टर्म को लिख रहा हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो वन अपॉन ए इंटीग्रल वाई डी इंटू ए लिख दिया, समझ में आया, और ये क्या बन गया, इंटीग्रल वाई डी अपॉन ए क्या बन गया, ये सेंटर ऑफ मास जैसे ही बन गया ना, सोचो यहाँ पे इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन एम होता तो ये क्या हो जाता, वाई कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास हो जाता, अब ये सेंटर ऑफ मास की जगह सेंटर ऑफ एरिया का कोऑर्डिनेटर सेंट्रोइड बन गया कि नहीं, एज इफ यूनिफॉर्म एरियल मास डेंसिटी का अगर लैमिना होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे तो वही सेंट्रोइड है, तो समझ में, तो क्या लिखा, एफ रिजल्टेंट इज रो जी साइन थीटा इनटू वाई बार इनटू ए, वाई बार क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मतलब सेंट्रोइड, ठीक है, फिर वाई बार इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, तो एफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फिर प्रेशर एट द सेंट्रोइड इनटू एरिया ऑफ द लैमिना, गेज प्रेशर एट द सेंट्रोइड, तो ये गेज प्रेशर फोर्स ही निकाला, राइट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इज पी नॉट, देन नेट फोर्स विल बी गिवन बाय पी नॉट प्लस पी एट द सेंट्रोइड इनटू एरिया हो जाएगा, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया और ऐड करना पड़ेगा, सब जगह पी नॉट डी और ऐड करना पड़ेगा, राइट, दिस इज बिकॉज एट एवरी एलिमेंट द नेट प्रेशर इज सिंपली गेज प्रेशर ऑफसेट वर्ड्स विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एफ आर के रिजल्टेंट गेज प्रेशर फोर्स है और पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एफ जो है रिजल्टेंट फोर्स है, centroid of an area is simply center of mass of the area assuming its aerial mass density as constant, so mass per unit area constant mante hue jo bhi center of mass hai wahi mera centroid hai, theek hai, ek bar section ko dekho, koi doubt hai to bol do, acha ye samjha raha hu main ki ye centroid jo center of mass se kyon coincide karega agar uniform mass density ka lamina ho gaya, to maan lo mere paas mass per unit area sigma ho jata, to dm mera kya ho jata, isko sigma se multiply kar do, sigma se divide kar do, to ye kya ban gaya, total mass ban gaya, aur ye kya ban gaya, integral y dm ho gaya, तो इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन एम करोगे तो वो वही हो जाएगा ना, इंटीग्रल वाई डी अपॉन ए, अगर सिग्मा मेरा कांस्टेंट है, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, तो इसलिए सेंट्रोइड इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास ऑफ द लैमिना अज्यूमिंग दैट लैमिना इज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट एरिया, समझ में आया कि नहीं बात, तो क्लियर है ये अभी, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, ये ज्यादातर बच्चों के लिए नया आइडिया होगा, शायद पिछला आइडिया तो तुम छोटी क्लास में भी सीखा होगा, ये आइडिया क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, लैमिना के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, हमने ये तो देख लिया रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, लेकिन इसको लगाना कहाँ पे है, वो हमारा जिस पॉइंट पे इस फोर्स को लगाना है वो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर में भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बताने वाला हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया टाइप के टर्म्स आते हैं, जबकि वाई कोऑर्डिनेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप के टर्म्स आते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो हमें याद नहीं रहता, टेबल तो किसी भी चीज का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें याद नहीं है, एक्सेप्ट जहां प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होते हैं, ठीक है, नहीं तो इसलिए उसको वो रिजल्ट कोई अच्छा नहीं है याद करने के लिए, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हम इंटरेस्टेड होते हैं, और जनरली क्या होगा, अगर सिमेट्रिक लैमिना है तो वाई कोऑर्डिनेट ही मेरा काम का होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो बाई सिमेट्री आ जाएगा, जो समझ गए लैमिना, अभी देखते हैं कि क्या वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए जहां पे इस फोर्स को लगाना है, ध्यान रखना सेंट्रोइड पे मत लगा देना प्रेशर फोर्स का रिजल्टेंट, सेंट्रोइड को यूज करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रोइड पे प्रेशर इनटू एरिया के बराबर आता है, लेकिन उसको लगाना कहाँ पे, तो सेंट्रोइड पे मत लगा देना, वो कहाँ पे लगाना है वो अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर से का मतलब क्या, उस फोर्स को लगाने से मेरा टॉर्क सही आना चाहिए, यानी एलिमेंट पे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस लग रहे हैं उनका तो कुछ टॉर्क होगा, तो सारे के सारे फोर्स को कहाँ पे लगा दो सेम टॉर्क जनरेट हो जाए इस वाली लाइन के वो, ठीक, तो वो देखते हैं, एफेक्टिव पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट गेज प्रेशर कैन बी अज्यूम टू बी एक्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टॉर्क इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ प्रेशर, फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाले के अबाउट वी विल बी ओनली रिक्वायरिंग द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ठीक है, इसके अबाउट टॉर्क में बैलेंस करके यानी इक्वेट करके टॉर्क मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ठीक है, ओके,
ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कंसीडरिंग टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, इफ वाई पी इज द इफेक्टिव वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्स, देन सोचो मान लो वाई पी मेरा इफेक्टिव वाई कोऑर्डिनेट है, टॉर्क क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इनटू वाई पी, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई डी एफ। सोचो किसी भी जनरल एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई, इसके ऊपर डी एफ फोर्स लग रहा, तो वाई डी एफ वाई डी एफ वाई डी एफ सबका समेशन करोगे तो वो आएगा ना टॉर्क अबाउट द एक्स एक्सिस। अरे बात समझ में कि नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर टॉर्क क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एफ, क्यों, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वाई रहेगा ना किसी भी छोटे से एलिमेंट का, तो ये इसके बराबर है, राइट। अब वाई डी एफ को मैंने क्या लिख दिया, वाई इंटू रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। ये समझ में आएगा, डी एफ क्या है, वर्टिकल डेप्थ क्या है, वाई साइन थीटा, किसी भी एलिमेंट की ये जो डेप्थ है ये वाई साइन थीटा है, तो रो जी वाई साइन थीटा प्रेशर हो गया वहां पे, इंटू डी ए ये फोर्स हो गया, अगर समझ में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अभी इसमें से रो जी साइन थीटा कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्या आ गया, वाई स्क्वायर डी ए आ गया। अब वाई स्क्वायर डी ए देख के बड़ी खुशी होती है, क्यों, ये कैसा है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता था, आर स्क्वायर डीएम टाइप का टर्म आता था, राइट, तो यहाँ पे डीएम की जगह डी ए आया हुआ है और रेडियस की जगह वाई स्क्वायर आया हुआ है, तो ये क्या है, एक तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा ही टर्म है ना, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे क्या है, मास की जगह एरिया आया हुआ है, तो इसको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, राइट। और इसके इसको भी कैलकुलेट करने की यानी अलग से टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्क है तो डिस्क का तुम्हें पता है ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये तुम्हारा होता है एम आर स्क्वायर बाय फोर होता है, राइट, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए आर स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, समझ में बात करेंगे। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करना है, जहां पर भी मास आएगा मास को एरिया से रिप्लेस करते, तो समझ में आ ही रहा होगा। इसको भी अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करना है तो वापस इसको क्या करो, सिग्मा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डिवाइड बाय मास पर यूनिट एरिया करोगे तो वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, राइट, समझ में बात नहीं, तो टोटल मास अपॉन टोटल मास पर यूनिट एरिया करोगे तो वो एरिया ही आ जाएगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म है उसमें पता चला मास को एरिया से रिप्लेस करके एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इंटीग्रल y स्क्वायर dA इज सिंपली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय सब्स्टिट्यूटिंग एरिया इन द फॉर्मूला फॉर मास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, yp into fr क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस into rho g sin theta, राइट। तो yp into इसको क्या लिख सकते हैं, rho g y बार sin theta into a, इसे yp निकाल लिया तो इसको इधर लेके चले गए और रिजल्टेंट फोर्स तो मेरा क्या होता था, rho g y बार sin theta into a होता था, थोड़ा देर पहले था देखा था रिजल्टेंट फोर्स यही था, रोजी वाई बार साइन थीटा इनटू ए, तो ये आ गया, तो हाँ तो ये क्या आ गया, आई एक्स रोजी वाई साइन थीटा, इससे वाई पी क्या आ गया, वाई पी आ गया आई एक्स अपॉन ए वाई बार आ गया, ठीक है। आई एक्स क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ए क्या टोटल एरिया ऑफ द लैमिना, वाई बार क्या है सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको मैं चाहूं तो ए इंटू के स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर के मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन है सोचना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस को क्या लिख सकता हूं, एरिया इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई बार बन गया, एरिया एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस डिवाइड बाय सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट, ये मेरा क्या आ गया, ये इफेक्टिव पॉइंट आ गया जहां पे मेरे को ये लगाना है, राइट। इसमें भी चाहो तो पैरेलैक्सिस थ्योरम लगा के और सिंपलीफाई कर सकते हो, क्योंकि के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वो फिर तुम सेंट्रोइड से डिस्टेंस मतलब सेंट्रोइड के अबाउट मान लो के बार का स्क्वायर बन रहा है, तो के बार स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर रहेगा, तो और अच्छा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आई एक्स क्या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के स्क्वायर क्या रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सरफेस एक्सिस, और वाई बार क्या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, ठीक है। तो वाई पी मेरा ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहूँ तो आई एक्स को चाहूँ तो लिख सकता हूँ आई बार एक्स प्लस ए वाई बार स्क्वायर, ये क्या है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समझ में आया क्या क्या लिखा है, इसको अगर पुट कर दोगे तो और भी अच्छा बन जाएगा रिजल्ट। क्या सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट प्लस सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा यूजफुल फॉर्मूला है। चाहो तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो, बट अगर इंटीग्रेशन अवॉइड करना है तो इस फॉर्मूले को याद करके काफी काम तुम्हारा आसान होगा, यू विल बी एबल टू अवॉइड इंटीग्रेशन इन मेनी केसेस। तो ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्या लिखा, A similar formula would also be derived for finding xp, मतलब center of pressure का x coordinate. उसमें क्या करोगे, center of pressure का x coordinate निकालने के लिए y axis के ऊपर torque balance करोगे, ना y axis के ऊपर torque equate कर दोगे तो x coordinate आ जाएगा, but generally हम x coordinate में interested नहीं होते और formula अच्छा आता भी नहीं, ठीक है। क्या लिखा, similar formula could be derived for finding xp, but it involves product of inertia. So if torque is required about any non-horizontal axis parallel to the lamina, we will use direct integration of the elemental. तो अगर ऐसे एक्सिस के ऊपर टॉर्क चाहिए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन देंगे टॉर्क के लिए, किसी भी आर्डिनेट एक्सिस के ऊपर चाहिए तो, ठीक है। फॉर्चुनेटली ज्यादातर हम 2D प्रॉब्लम में डील करेंगे जहाँ पे एक्सिस जो होगा मेरा इनटू द पेज ही होगा, और ज्यादातर जगह मेरा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले से काम हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन वाई कोऑर्डिनेट रादर देन एक्स कोऑर्डिनेट।
और सिमेट्रिक लैमिना तो वैसे एक्स कोऑर्डिनेट सिमेट्री से हमें पता जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन केस लैमिना इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट देन द सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज ऑन द सिमेट्री एक्सिस इटसेल्फ। जैसे मान लो रेक्टेंगुलर लैमिना ऐसे डूबा हुआ है तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया, एक्स कोऑर्डिनेट बाय सिमेट्री हमें पता इसी लाइन सिमेट्री लाइन के ऊपर ही होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। फॉर इंस्टेंस फॉर द स्टोन रेक्टेंगुलर लैमिना एक्स पी जो है मेरा जीरो हो गया, ठीक है, बिकॉज लाइन ऑफ सिमेट्री कंटेन्स द सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे that is line of symmetry contains the center of pressure, here we can easily calculate the force and torque due to y bar and yp using y bar and yp, to y bar aur yp agar pata chal gaya to fir seedhe seedhe force aur torque ek jhatke mein aap likh payenge, koi integration ab nahi karne ki zarurat hai kyunki rectangular lamina ka to tumhe pata hi hai na iske baad moment of inertia kya ho jayega, ml square by 3 hota hai, yahan pe a into jo bhi hai distance divided by square divided by 3 ho jayega, theek hai, samajh gaye ki nahi, to ठीक है। इन केस टॉर्क टू नेट प्रेशर फोर्सेस रिक्वायर्ड वी पुट एन एडिशनल पी नॉट ए एट द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, तो मान लो इसकी जगह मान लो हमें टोटल प्रेशर का टॉर्क चाहिए, खाली गेज प्रेशर का टॉर्क नहीं चाहिए, गेज प्रेशर के टॉर्क के लिए तो पता चल गया सेंटर प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर तुम्हें पता है एक पी नॉट ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पी नॉट वाला जो टर्म है उसको सेंट्रोइड पे लगा सकते हो, तुम्हें पता है ना यूनिफॉर्म जब फोर्स फील्ड्स होते हैं तो सेंट्रोइड पे सेंटर ऑफ मास पे लगते हैं, अगर P नॉट A और तुम्हें ऐड करना सब जगह P नॉट D A P नॉट D A P नॉट D A, तो वो P नॉट कहाँ पे लगा, वो सेंट्रोइड पे लगेगा, लेकिन गेज प्रेशर फोर्स सेंट्रोइड पे नहीं लगेगा, हमें उसकी वैल्यू सेंट्रोइड प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होती है, समझ में आया कि नहीं, तो डोंट कंफ्यूज द टू थिंग्स, कई बार बच्चे सेंट्रोइड पे लगा देते गेज प्रेशर, तो वो गलत है, गेज प्रेशर फोर्स वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे ही लगानी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो इन केस टॉर्क टू नेट प्रेशर फोर्स इज रिक्वायर्ड वी पुट एन एडिशनल पी नॉट ए द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, बिकॉज पी नॉट जो है मेरा एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, प्रेशर जो पी नॉट वाला जो फील्ड है वो तो सब जगह पी नॉट लग रहा है ना, ओवर एंड अबव द गेज प्रेशर जो लग रहा है वो तो कॉन्स्टेंट ही है, उसको सेंट्रोइड पे लगाना है पी नॉट, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अभी इसी को आइडियाज को थोड़ा फिक्स करने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आज की क्लास एंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, फॉर द शोन फिगर फाइंड पार्ट ए नेट रिजल्टेंट गेज प्रेशर फोर्स, ये जो इंक्लाइंड फेस है इसके ऊपर मुझे गेज प्रेशर फोर्स एक तो निकालना है, ठीक है। बी पार्ट के इफेक्टिव वाई पी ऑफ द गेज प्रेशर फोर्स, ये पूछा है कि कितनी दूरी पे ये गेज प्रेशर फोर्स लगाना है, सोचो यहाँ पे पानी अगर भरा है तो पानी इसको धकेल रहा होगा ना, बाय द वे ये डूबा हुआ हो या फिर वेसल का कंटेनर का वॉल हो क्या ही फर्क पड़ता है, प्रेशर फोर्स तो वैसे ही लगेगी ना, चाहे कंटेनर की वॉल हो या फिर ये डूबा हुआ लामिना हो, तो ये मत सोचना सर वो तो आपने डूबा रखा था तो डूबा नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर फोर्स तो वैसे ही लगेगा ना, ये अगर डूबा होता तो भी प्रेशर फोर्स वैसे ही लग रहे होते, तो ठीक है कोई फर्क नहीं, ओके। तो YP पूछा और फिर क्या पूछा, टॉर्क ऑफ गेज प्रेशर फोर्स अबाउट लाइन ED, तो ED लाइन कहीं पे ये वाली ED लाइन है, इसके अबाउट पूछा कि कितना टॉर्क होगा, एक्चुअली क्या होगा, अगर पानी बहुत ज्यादा टॉर्क देगा तो हो सकता है ये सील खुल जाए और ये ऐसे ढक्कन खुल जाए इसका, तो ED के अबाउट टॉर्क हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए वो यूजफुल हो सकता है कि जैसे कोई डैम वैम है तो उसकी दीवार पे कितना टॉर्क वर्क लग रहा है तो निकालना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से खुद से कंप्लीट करना चाहोगे इसको, जल्दी से कर दे, वी हैव वेरी स्मॉल लेस टाइम, कंप्लीट कर लो फिर उसके बाद बाकी कल देखेंगे इसके आगे, ट्राई करो, ठीक है, इसको जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। तो सेंट्रोइड का तो वाई बार सिंपल ही है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना सीधे सीधे दिख रहा है, वाई बाय टू पे होगा, राइट, यानी जो भी है ये एल बाय टू पे होगा, ठीक है। तो गेज प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर एट द सेंट्रोइड इंटू एरिया, तो वो डब्ल्यू इंटू एल इसका एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा रिजल्टेंट गेज प्रेशर फोर्स आ गया, राइट। अब इसको लगाना कहाँ पे, तो हमें पता है वाई पी बार क्या होता है, के स्क्वायर बाय वाई बार होता है, राइट, और k क्या है इसके अबाउट देखो l स्क्वायर बाय 3 होगा, है ना, एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर बाय 3 और y बार क्या l बाय 2, तो 2l बाय 3 आ गया मेरा, ये मेरा yp आ गया, इसका मतलब कि सारे प्रेशर फोर्स को इस लाइन के ऊपर ही लगाना है परपेंडिकुलर टू द लैमिना, ठीक है। अब ed के अबाउट टॉर्च चाहिए तो उसको ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो जो ed से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स का, ठीक है, तो ये 2l बाय 3 आ गया, टॉर्क ऑफ गेज प्रेशर फोर्स अबाउट ed, तो ये डिस्टेंस मेरा ये l बाय 3 है, ठीक है, तो क्या आ गया tau fr into l minus yp, ठीक है, तो ये टोटल l है और ये yp है, सब्ट्रैक्ट कर दिया ये आ गया, तो बस कैलकुलेट कर लिया तो rho g wl square by 6 आ गया, तो क्या लिखा, एक रिमार्क पढ़ देता हूँ फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। इन मोस्ट सिचुएशन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन गेज प्रेशर टॉर्क्स बिकॉज पी नॉट ऑफसेट एक्ट्स फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्फेस कॉजिंग अ नेट जीरो टॉर्क व्हेन बोथ साइड्स ऑफ वेसल वॉल्स आर कंसिडर्ड, कहने का क्या मतलब है, देखो इधर से भी पी नॉट लग रहा है, बाहर से भी तो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बट अंदर से ओवर एंड अबव गेज प्रेशर पी नॉट ऐसे ऐसे करके लग रहा है, एक शीट के ऊपर इधर से भी पी नॉट इधर से भी पी नॉट लग रहा है, तो कपल बन गया, जीरो कपल बन गया बेसिकली,
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉर्क में हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते इस वजह से, क्योंकि अंदर से भी पी नॉट लग रहा है और अंदर से भी एडिशनल पी नॉट ही है, तो वो कैंसिल हो गया ना, बात समझ आएगी नहीं? इससे कुछ घूमेगा थोड़ी ना, एक शीट पे इधर भी पी नॉट लगा था, शीट घूमने की टेंडेंसी जो होगी वो केवल गेज प्रेशर फोर्सेस की वजह से होगी। ठीक है, तो ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में और हम देखेंगे, थोड़ा सा वी नीड टू बी अ बिट फास्ट बिकॉज वी आर बिट शॉर्ट ऑन टाइम, ठीक है, बट आई होप समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन फास्ट चलना पड़ेगा हमें बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द आवर। ऑलराइट, थैंक यू।